चक्रवाती तूफान दाना के बारे में अपडेट देना चाहूँगा, जो आज सुबह 23 अक्टूबर को IMD के हिसाब से एक चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है और 24 की रात और 25 की अक्टूबर की सुबह के बीच में इसका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर हिट करने की संभावना है, जिसके कारण वहाँ पे भारी वर्षा होने की संभावना है। त्रिपुरा जो कि इस चक्रवाती तूफान से 500 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसका कोई भी सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इनडायरेक्ट इफेक्ट यानी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसके कारण वर्षा हो सकती है। उसके कारणवश IMD अगरतला ने अगले 2 दिनों के लिए जो पूर्वानुमान दिया है, दिन एक यानी आज 23 अक्टूबर के लिए दक्षिण और सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट यानी साउथ और सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी सभी डिस्ट्रिक्टों में थंडरस्टॉर्म होने की ही संभावना है, उसके साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कल यानी 24 अक्टूबर को भी दक्षिण एंड सिपाही जिला यानी साउथ एंड सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में ही भारी वर्षा होने की संभावना है और बाकी सभी डिस्ट्रिक्टों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। 25 अक्टूबर से इस साइक्लोन का प्रभाव कम हो जाएगा और बहुत हल्की बारिश के साथ इसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बाकी आप IMD अगरतला के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो करते रहिए, हम उस पर वार्निंग और जो भी अपडेट है हम डालते रहते हैं। नमस्कार।